हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्राडे आइडिया में। आज के इस वीडियो में मार्केट और इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली इन वीडियो से कुछ सीख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को पूरा देखें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन 29 नवंबर ट्यूसडे के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। पहले एक नजर आज के मार्केट पर। आज मार्केट गैप डाउन नेगेटिव पॉइंट्स के साथ ओपन हुआ और ओपन होने के बाद पहली कैंडल से ही अच्छी रिकवरी दिखाया और कल के बाते गए रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर अच्छी रैली दिया और निफ्टी ने आज लाइफटाइम हाई का रेजिस्टेंस लेकर थोड़ी गिरावट दिखाया, पॉजिटिव क्लोज हुआ। उसी प्रकार बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद अच्छी रिकवरी लिया और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन 29 नवंबर ट्यूसडे के लिए मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन के डेटा बेस से क्या निकल के आ रहा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन 29 नवंबर ट्यूसडे को निफ्टी में ऊपर के तरफ 18,620 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर निफ्टी 18,520 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी में ऊपर के तरफ 43,200 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी 42,850 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के स्टडी के लिए हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को 4 स्टॉक दिए थे, जिसमें पहला ACC, दूसरा PVR, तीसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट और लास्ट टाइटन था। आज मार्केट नेगेटिव गैप डाउन पॉइंट्स के साथ ओपन हुआ। आज के लिए हमारे 2 कॉल्स बाय साइड एंड 2 सेल साइड थे। बाय साइड के कॉल्स में से ACC ने लेवल को ट्रिगर कर 28 पॉइंट मूव देकर पहले टारगेट को हिट किया। दूसरा PVR ने बाइंग लेवल को ट्रिगर नहीं किया। सेल साइड के कॉल्स में से पहला श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने लेवल को ट्रिगर कर 27 पॉइंट मूव देकर आल टारगेट को हिट किया एंड लास्ट टाइटन ने मॉर्निंग में ही केवल लेवल को ट्रिगर किया और स्टॉप लॉस हिट किया। आज की कॉल्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस समय मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, साथ में आप लोग प्रॉपर रिस्क एंड स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करें। इन स्टॉक्स के लेवल कल के वीडियो में देख सकते हैं, और हाँ, अगर आप लाइव कॉल्स चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से इंट्राडे आइडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और सीखें। मैंने आने वाले ट्रेडिंग सेशन 29 नवंबर ट्यूसडे के लिए बेस्ट 4 स्टॉक्स सेलेक्ट किया है, जिसमें पहला PVR सॉफ्ट, दूसरा BPCL, तीसरा एस्कॉर्ट और लास्ट जिंदल स्टील है, जिसके लेवल्स आगे दिए हैं, देख सकते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। मेरा पहला स्टॉक है PVR। PVR को मैं 1875 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 1857 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है BPCL। BPCL को मैं 342 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 338 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट को मैं 2255 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 2275 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील को मैं 505 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 510 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे तुरंत आपको अपडेट मिल सके। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स।